प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग उनने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर जो चर्चा चल रही थी उस पर बात कर रहे हैं। हमें संसद जिसे हमने 7(9) अनुच्छेद के अंदर पढ़ा कि भारत में एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का मिलकर निर्माण होगा। उसी क्रम के अंदर हम पढ़ते गए तो लोकसभा के पदाधिकारियों पर बात चली थी। हमने छठा बिंदु पढ़ा था लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, उस जिसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, जिसे हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और इसका चुनाव कैसे होता है इसके बारे में बात करें तो लोकसभा के सदस्य अपने में से संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत अपने में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारियों में स्पीकर के कार्य क्या हैं। तो लोकसभा की जो व्यवस्था है उसके अंदर स्पीकर का मुख्य कार्य है संसद की सभी व्यवस्थापिका की सभी लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना और अनुशासन करना। लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य क्या है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अनुशासन बनाए रखना। इसके साथ ही जितनी भी लोकसभा में कार्यवाही होगी वो समस्त कार्यवाही निश्चित करना, जितनी भी लोकसभा में कार्यवाही है वो समस्त कार्यवाही को निश्चित करने का कार्य कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हमने स्पीकर कहा। तीसरा कार्य, लोकसभा में कुछ समितियों का गठन किया जाता है और उन समितियों का प्रदेश सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर होता है और ये समितियां इन्हीं के दिशा निर्देशों में कार्य करती है। इसके बाद विधेयक, यहाँ विधेयक की बात करें, विधेयक कोई भी प्रस्ताव जब रखा जाता है, प्रस्ताव किसी भी कानून को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। तो कोई विधेयक धन वित्त विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक। और संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का कार्य भी स्पीकर ही करता है। एक बार फिर देखें कि हमने पढ़ा लोकसभा का अध्यक्ष, उसे हम किस नाम से जानेंगे? स्पीकर के नाम से। और एक उपाध्यक्ष होगा जिसे हम कहेंगे डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के बाद इनका चुनाव कैसे होता है? कौन से सदस्य? लोकसभा के सदस्य अपने में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत उनका चुनाव करते हैं। वे अध्यक्ष के कार्य भी हमने पढ़ दिए। इस प्रकार हमने लोकसभा पर अध्ययन किया और लोकसभा के अंदर हमने ये पढ़ा कि लोकसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 81 में। 81 क्या कहता है? लोकसभा होगी, लोकसभा के बारे में जानकारी देता है, अनुच्छेद कितना 81 लोकसभा पर जानकारी देता है, ठीक। लोकसभा के सदस्य हमने पढ़ा था अधिकतम हो सकते हैं 552। रिवीजन कर लें, पहले की वीडियो में ये बात बताई गई कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। वर्तमान में कितने हैं? 545, ठीक। इसमें क्या है? 543 प्लस 2, यानी 543 सदस्य जो है निर्वाचित है और 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। मैंने ये पहले बताया था कि 543 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन किया जाता है इनका, ठीक है। प्रत्येक मतदाता इनमें चुनाव में प्रत्यक्ष भाग लेता है और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। निर्वाचन के अंदर क्या होता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचन जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त मतदाताओं द्वारा सीधा यानी प्रत्यक्ष किया जाता है। योग्यताएं हमने पढ़ा था, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, वह राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी न हो और न्यायालय द्वारा दंडित न किया हो। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का।
कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लोकसभा के का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। लेकिन इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का अधिवेशन, संसद का अधिवेशन बुलाया जा सकता है कभी भी, ठीक। तो साधारणतः इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का वर्ष में 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है, जिनमें 6 माह का अंतर होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, आज के टॉपिक में हमने लोकसभा के पदाधिकारी पढ़ लिए कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में इसकी जानकारी दी गई। इस प्रकार हमारे लोकसभा का टॉपिक जो है क्लियर हुआ। लोकसभा का हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा, 79 में क्या है संसद, 79 में क्या है अनुच्छेद 79 में क्या है संसद, 81 में लोकसभा, 93 अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुनेंगे। इसके साथ ही अगला टॉपिक जो है संसद का हमारा, लोकसभा क्लियर होने के बाद नया टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा पर जानकारी अभी हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करूं राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अधिकतम हो सकते हैं 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। इसमें निर्वाचित सदस्य हैं 233 और मनोनीत सदस्य हैं 12। राज्यसभा में कुल सदस्य अधिकतम हो सकते हैं 250, निर्वाचित सदस्य हैं 233 और मनोनीत सदस्य हैं 12। इस प्रकार हमने पाया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। और ये 12 लोग हैं कौन? जिन्होंने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र में अथवा खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, वैसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वो 2 सदस्य कौन से थे? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो 2 कौन से थे? आंग्ल इंडियन सदस्य, ऐसे लोग जो आंग्ल इंडियन समाज से हैं, उन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो राज्यसभा के सदस्य कितने? 250। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। निर्वाचित कितने हैं? 233। मनोनीत कितने होते हैं? 12। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके साथ ही अभी हम देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल, समय। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का है, और ये कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य नव चयनित हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को कहते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसका 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य नव निर्वाचित हो जाते हैं। इनका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। लोकसभा के सदस्य, हमने ये पढ़ा था, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता सीधे चुनाव में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता द्वारा चुने हुए
प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं, यानी जनता सीधे नहीं चुनती, चुनाव इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है योग्यताएं। योग्यता में लोकसभा सदस्य की ही योग्यता है, लोकसभा सदस्य की जो योग्यताएं हैं वही इसकी हैं, ठीक। लेकिन अंतर है तो आयुष बंदी अंतर कितना है, यहाँ 30 वर्ष होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य की आयु कितनी लिखी थी हमने 25 वर्ष। बाकी बातें वही, भारत का नागरिक हो, राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी ना हो, ठीक। पागल दिवालिया न्यायालय द्वारा, पागल दिवालिया कोड़ी या न्यायालय द्वारा दंडित ना किया गया हो, और साथ में ये भी बात क्लियर कि उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। इसके साथ योग्यताओं के बाद अब हमने पढ़ लिया उनका चुनाव भी हो गया, निर्वाचन भी हो गया, अनुच्छेद राज्यसभा के लिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद यहां लिख सकते हैं, अनुच्छेद राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है 80, ठीक है। कितने में अनुच्छेद 80 में लिखा गया है कि राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, अनुच्छेद 80 हम ये पढ़ सकते हैं, 79 में संसद होगी, 80 में राज्यसभा होगी, और 81 में लोकसभा होगी। अब है इसका सभापति और उप सभापति, यहां हम ये अंतर भी ध्यान रखें कि लोकसभा के अध्यक्ष को हमने कहा था स्पीकर और उपाध्यक्ष को कहा था डिप्टी स्पीकर, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को हम कहते हैं सभापति, राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं सभापति, और उपाध्यक्ष को कहते हैं उप सभापति, और राज्यसभा का सभापति होता है देश का उप राष्ट्रपति। सभापति कौन होगा, देश का उपराष्ट्रपति, और उप सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। इस प्रकार भी हम ये देखे कि राज्यसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है, सभापति, और एक होता है उप सभापति, ठीक। सभापति कौन बनता है, देश का उपराष्ट्रपति, और उप सभापति का चुनाव कैसे होता है, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं, जिस प्रकार लोकसभा के सदस्य अपने में से चुनाव इनका करते हैं।